वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्जाम। आप लोगों ने हमारी कल वीडियो देखी होगी, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने ना भूलें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें और अच्छा वीडियो बनाने के लिए हमें और हम मोटिवेट होंगे। प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे कि यूपीटेट के फॉर्म आप में मतलब कितने लोगों ने भर दिए हैं और कितने लोगों के रह गए हैं। हाँ, क्योंकि अभी सर्वर की प्रॉब्लम है, किसी का फीस सबमिट नहीं हो रही है, किसी का फॉर्म ही फिल नहीं हो रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम है। और जहाँ तक लगता है कि आपकी फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो अभी आप और आगे बढ़ेगी, आपको और एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट अपना नेक्स्ट चैप्टर के लिए। ओके, हमारा आज का चैप्टर है माइक्रोब्स एंड कम्युनिकेबल डिसीज, सूक्ष्म जीव एवं संक्रामक रोग। ओके, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगी, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। हाँ, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी, एंटोमोलॉजी, माइकोलॉजी या फाइकोलॉजी। हमारा आंसर होगा माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट, सूक्ष्म जैविकी का जनक माना जाता है, सूक्ष्म जैविकी का जनक माना जाता है लुईस पाश्चर, इमैनुवस्की, एंटोनी वैन लीवेनहुक एंड नन ऑफ दीज। इसका हमारा आंसर होगा सूक्ष्म जैविकी का जनक हमारा माना जाता है एंटोनी वैन लीवेनहुक को। नेक्स्ट, रैबीज रोग होता है, रैबीज रोग हमारा होता है विषाणुओं द्वारा, जीवाणुओं द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा या नन ऑफ दीज। तो हमारा रैबीज रोग जो होता है वो हमारा होता है विषाणुओं द्वारा। नेक्स्ट, एड्स जिस वायरस के द्वारा होता है उसे कहते हैं। हाँ जी, एड्स की फुल फॉर्म होती है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो तो एटीपी का होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का जो फुल फॉर्म होता है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये जिस वायरस की वजह से होता है उसको क्या कहते हैं। ये हमारा ऑप्शन से क्लियर है, वो हमारा होता है एड्स वायरस के थ्रू। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, कवक द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है, कवक द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है वो क्या है, तपेदिक, दाद, हैजा या प्लेग। तो कवक द्वारा जो उत्पन्न होने वाला रोग होता है हमारा वो होता है दाद, फंगल इन्फेक्शन, फंजाई। ओके, नेक्स्ट, टेट्रासाइक्लिन औषधि प्राप्त होती है, टेट्रासाइक्लिन औषधि प्राप्त होती है वो होती है हमारी स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस, फोर्थ ऑप्शन, स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस के द्वारा हमारी टेट्रासाइक्लिन औषधि प्राप्त होती है। नेक्स्ट,
पेचिस रोग किस परजीवी के कारण होता है? पेचिस रोग हमारा किस परजीवी के कारण होता है? सॉरी फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में मुझे लगता है थोड़ा मिसप्रिंट है। तो इसमें जो आपका सेकंड ऑप्शन है, यहाँ आपको होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए आपका एंट अमीबा हिस्टोलिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ओके, जो पेचिस रोग जो हमारा होता है वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका परजीवी के कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निमोनिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? जो निमोनिया होता है उससे प्रभावित होने वाला जो अंग है उसको हम, वो कौन सा होता है? तो वो होता है लंग्स यानी फेफड़े। नेहा जी, निमोनिया से प्रभावित होने वाला अंग लंग्स होता है। देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और प्लीज़ इन क्वेश्चनों को आप हल्के से ना लिए, हो सके तो आप इनको एक नोट्स बना लीजिए, क्योंकि इनसे आपका अकॉर्डिंग टू मी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि ये हैंडमेड नोट्स हैं जो मतलब सेलेक्टेड बुक से आपके लिए मैंने खोजे हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ताकि और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो आते ही सबसे पहले आपको इन्फॉर्म हो जाए। ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, एंथ्रेक्स रोग होता है, 9th क्वेश्चन है हमारा, एंथ्रेक्स रोग होता है, एंथ्रेक्स रोग किस में होता है? मनुष्यों में होता है, पशुओं में होता है, या दोनों में होता है, या किसी में नहीं होता है? तो एंथ्रेक्स जो रोग है हमारा, वो हमारा होता है पशुओं में होता है। इज दैट क्लियर? एंथ्रेक्स रोग जो होता है वो पशुओं में होता है। ओके, एंटीबायोटिक्स किसके उपचार में प्रभावी है? एंटीबायोटिक्स किसके उपचार में प्रभावी है? एंटीबायोटिक्स जो है हमारी, वो हैजा के उपचार में प्रभावी है। एंटीबायोटिक्स किसके उपचार में प्रभावी है? हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉलरा रोग होता है, कॉलरा रोग जो होता है हमारा वो किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है, या कीटों के द्वारा होता है, या टॉक्सिन द्वारा होता है? कॉलरा रोग जो होता है वो हमारा बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ओके, नेक्स्ट, जल जनित रोग है हमारा, जल जनित रोग जो है इनमें से कौन सा है? डिप्थीरिया, टिटनेस, या हेपेटाइटिस, या मलेरिया? तो जल जनित जो रोग होता है वो हमारा होता है हेपेटाइटिस। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। इसमें आपको सेलेक्ट करके लिखना है, गुणसूत्र नंबर 1 है, गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होते हैं, जीन गुणसूत्रों में स्थित होते हैं, एक कोशिका के जीव श्वसन और जनन करते हैं, कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रण करना है। तो इनमें से आपको सही कथन पहचानने हैं। तो इनमें से आपका सही कथन कौन कौन से हैं? एक तो आपका नंबर 1, गुणसूत्र केंद्रिका
में स्थित होते हैं, बिल्कुल सही है। जो हमारे गुणसूत्र होते हैं वो हमारे न्यूक्लियोलस में ही प्रेजेंट होते हैं, है ना। और जीन गुणसूत्रों में स्थित होते हैं, ये भी सही है आपका, क्योंकि जीन्स जो होते हैं वो भी गुणसूत्रों में ही प्रेजेंट होते हैं। और एक कोष के जीव श्वसन और जनन करते हैं, नहीं ये आपका नहीं होगा। इसका फोर्थ आंसर आप देख पर देखिए, कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रण करना है, ये भी आपका सही होगा। तो इसका आंसर आपका बी इज़ द करेक्ट आंसर, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट, भोजन की विषाक्तता होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिए। भोजन की विषाक्तता होती है किसके कारण होती है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिज्म या पास्टरेला पेस्टिज। इसका आंसर होगा भोजन की विषाक्तता जो होती है वो बॉटुलिज्म यानी क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिज्म के ही थ्रू होती है, सी इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट, एथलीट फुट नामक रोग होता है, एथलीट फुट नामक रोग जो होता है वो किस में होता है, मनुष्य में होता है, पशुओं में होता है, कीटों में होता है या इनमें से किसी में नहीं होता। तो एथलीट फुट जो होता है, जो रोग होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, पशुओं में होता है। आपका बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके नेक्स्ट, कालाजार किसके द्वारा होता है, कालाजार जो होता है हमारा सीसी मक्खी के द्वारा होता है, मादा एनाफिलीज के द्वारा होता है, बालू मक्खी के द्वारा होता है या नन ऑफ दीज। तो कालाजार जो होता है वो होता है हमारा सैंड फ्लाई, राइट, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बालू मक्खी यानी सैंड फ्लाई। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हो सकता है आपको थोड़ा हिंदी इंग्लिश में थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो, बट आप जो मुझे लगा कि हिंदी में इंग्लिश में, वैसे मैंने आपको दोनों में ही मैंने लिखा है, और आप एक बार मुझे अगर आपको इस तरीके की वीडियो में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं थोड़ा और मतलब थोड़ा और इसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकती हूँ हिंदी में इंग्लिश में, क्योंकि देखो थोड़ा बायोलॉजी के जो वर्ड्स होते हैं वो इंग्लिश में बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं, पर जैसा आप कहेंगे आपके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा इसको चेंज कर सकती हूँ, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट ट्रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स यानी श्वेत किट होता है किसमें, किसके द्वारा होता है, व्हाइट ट्रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स किसमें किसके द्वारा होता है, कवक द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होता है या विषाणु द्वारा होता है या नन ऑफ दीज, इनमें से किसी के द्वारा नहीं होता है। तो जो हमारा वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स होता है वो हमारा कवक के थ्रू होता है, कवक द्वारा होता है। ओके नेक्स्ट, लेप्रोसी कुष्ठ रोग, लेप्रोसी किसके द्वारा होता है, लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री या माइकोबैक्टीरियम ट्यूब्रोक्लोसिस या नन ऑफ दीज। जो लेप्रोसी कुष्ठ रोग जो होता है वो हमारा किसके द्वारा होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, यस सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। देखिए फ्रेंड्स, मैं फिर बोल रही हूँ आपसे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके मतलब आने की एग्ज़ाम में पूरी पूरी संभावना ही है, जितना मेरा मानना है इनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप प्लीज़ हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको जो भी मतलब और भी अदर सब्जेक्ट के या मतलब इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए।
क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपसे बार बार फिर यही कहूँगी कि प्लीज़ हो सके तो आप इन क्वेश्चनों को मतलब बार बार या कहीं नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि इन्हीं इनसे बाहर आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ये हैंड रिटन नोट्स हैं, मैंने बहुत मेहनत से इनको ढूंढ ढूंढ के इनको सेलेक्ट किया है और आपके लिए लेके आई हूँ। इसलिए आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना और ज़्यादा हम मतलब आपके लिए और मेहनत करेंगे ताकि आप लोगों को बहुत मतलब आसानी से प्रोवाइड हो सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, ये होता है फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस के थ्रू होता है, अल्टरनेरिया सोलेनी के थ्रू होता है, या पर्नोस्पोरा, या फिर होता है अल्टरनेरिया अल्टरनेरी, या सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, अल्टरनेरिया सोलेनी। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है और टीचिंग के एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। हाँ जी, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया सोलेनी के थ्रू होता है। नेक्स्ट, मृतोपजीवी है, मृतोपजीवी क्या है, पक्सीनिया है, लाइकेन है, अस्टिलैगो है, या पेनिसिलियम है। तो हमारा जो मृतोपजीवी है वो हमारा पेनिसिलियम है, या फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, मृतोपजीवी हमारा पेनिसिलियम होता है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। देखो, अच्छे लगे या नहीं लगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपसे बार बार यही बोल रही हूँ। बहुत मेहनत से इनको सेलेक्ट किया गया है, इन क्वेश्चनों को सिर्फ और सिर्फ यूपी टेट और सी टेट बेस्ड क्वेश्चन है और टोटली क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है। तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट आई में भी 10 ईयर्स में भी मिल जाएंगे, बाकी टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ये उनसे सेलेक्टेड क्वेश्चन है। मेरा मानना ये है आपको इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यूपी टेट का। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बायोलॉजी से रिलेटेड कराएंगे, आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, सब चीज़ मतलब आप हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। और जितना आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा उतना जल्दी से जल्दी हो सकता है दिन में हम मतलब, क्योंकि हमारे पास टाइम भी ज़्यादा नहीं है, हमारे पास एक महीना मुश्किल से बचा है और अभी ये फॉर्म फिल करने में भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बट प्लीज़ निराश मत होइए, आप हमसे जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट करिए, हमारी PDF आपको PDF चाहिए इस से रिलेटेड तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।